गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ वडोदरा में और ये वडोदरा का बस स्टॉप है, सेंट्रल बस स्टॉप। यहाँ से पावागढ़ के लिए बस जाती है, तो अभी जाएंगे अपन पावागढ़ के लिए। तो अभी मैं पावागढ़ पहुंच गया हूँ। वडोदरा से पावागढ़ आने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। ये पावागढ़ का बस स्टॉप है, देखो। पावागढ़ चंपानेर जिले के हलोल तालुके में आता है। पावागढ़ में आने के बाद अपने को शेयरिंग ऑटो लेनी पड़ती है। यहाँ से पावागढ़ से महाकाली का मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ में मेरे साथ आया है प्रथमेश और ये रामा। हम अभी आ गए हैं रोपवे के तरफ। ये बस है आपको जो रोपवे स्टेशन तक छोड़ती है, बाकी आपको रोपवे से जाना पड़ता है मंदिर तक। तो अभी जाएंगे रोपवे के तरफ। ये वाला जो व्यू रास्ता ये रोपवे का है और पार्किंग से रोपवे सिर्फ 1 मिनट में पहुंच सकते हैं आप। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरे रोपवे के लिए है। ये आपने टिकट निकाली है रोपवे की, इसका 150 रुपया पर पर्सन प्राइस है। हम लोग 3 लोग हैं इसलिए इसको 450 रुपये लगा।
हम लोग अभी रोपवे से उतर गए हैं। रोपवे से कुछ दूर थोड़ा और चलना पड़ता है तभी महाकाली का मंदिर आता है। रोपवे से उतरने के बाद करीबन 50 से 60 सीढ़ी और चढ़नी पड़ती है तभी जाके मंदिर आता है। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से करीबन 1400 से 1500 फीट तक है। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से वहाँ आए थे और इसके आगे में ये तालाब है, आप देख सकते हो ये तालाब है। यहाँ पे पाँव धोते हैं फिर मंदिर में जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पूजे का सामान वामन भी मिलता है। यहाँ पे ऐसे दुकानें लगे हुई है, आप कभी आओ तो आओ दर्शन करने। आगे ऐसी दुकानें मिल जाएंगी आपको। देखो पावागढ़ एक ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ शब्द है। करीबन आज से 500 मिलियन वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। पावागढ़ यानी कि एक चौथाई या अग्नि पहाड़ी। तो अभी मैंने दर्शन कर लिए, दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। मैंने आपको भी दिखाया मंदिर का अंदर का और मंदिर भी और उसकी मूर्ति भी। आप कभी आओ तो आओ दर्शन करने। मंदिर बहुत ही अच्छा है। वडोदरा से 40 किलोमीटर की इसकी दूरी है। आज के लिए बस इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।